A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. तो आपको ppm दे दिया है, बराबर? Express this in percent by mass and determine the molarity of chloroform in water. तो पहले हम करेंगे ppm का फॉर्मूला. चलो, weight of solute 10 to the power 6 और weight of solution. अब हमें ये चाहिए W by W. तरल, तो ये ppm आपके पास अवेलेबल है. कितना ppm है आपके पास? 15. तो ये आपको चाहिए. परसेंटेज W by W क्या हो जाएगा? 15 divided by 10 to the power 6 into 100. क्योंकि परसेंटेज निकालना है. चलो, क्या आएगा आंसर आपका? 15 into 10 to the power minus 4 minus 4 परसेंटेज W by W. अब आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी. तो मोल्स से डिवाइड करो. ठीक है, क्लोरोफॉर्म के कितने मोल्स आए? मोलारिटी, तो मोलारिटी बराबर, तो कितना मोल मॉलिक्यूलर मास है? तो ये देखो आप, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय CHCl3. तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3. तो आंसर कितना आ रहा है? 119.5. तो इसको इससे डिवाइड कर लो, 119.5 करो.